हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज हमारे दिन की शुरुआत हो गई है और बस आज ना हम लोग क्या सोच रहे हैं कि कुछ काम एक्स्ट्रा हैं जो रोज़ नहीं कर पाते हैं तो वो कर लें, क्योंकि आज इनका रेस्ट है और रेस्ट के दिन अधिकतर हम लोग के ऐसे ही काम चलते रहते हैं उठपटांग से, क्योंकि ये सब ना मेरे बस की बात तो है नहीं। अकेले के बस की मतलब मैं करती ज़रूर हूँ, पर ये सब काम ना मेरे बस की नहीं है। तो अभी हमने चावल लेके लाए थे, ये वाले ड्रम में थोड़े से रखे हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना कि पेंट करके रख देंगे। ये जो ड्रम है इसको पेंट करेंगे, इसके बाद फिर इसमें चावल भर देंगे, तो वो चावल फिर बहुत दिन तक अच्छे रहते हैं और ड्रम भी अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता है, जंग वंग नहीं लगता है पेंट करने से। तो बाहर अंदर दोनों साइड से पहले से तो किया हुआ है ही, पर एक बार और करेंगे। और देखो इतने चावल निकले हैं। और ये माचिस डाल के रखे थे हम लोग, माचिस डालने से ना कीड़े नहीं लगते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, हमारे चावल में थोड़े बहुत कीड़े लग गए थे और रखे रखे वो कीड़े मर भी जाते हैं। तो बस मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा बहुत निकाल लेती हूँ, आधा एक डब्बा, फिर साफ़ करके रख देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो इतने से बचे हुए हैं और सच में घर के चावल ना बहुत टेस्टी लगते हैं यार। हमने इस बार लेके भी लाए हैं ना मार्केट से, तो उतने टेस्टी नहीं हैं। बना के देखी थी मैं, पर ये जो घर के हैं ना घर के ही हैं, पर हम लोग कब तक घर से लाते रहेंगे, क्योंकि लाना भी तो एक हेडेक हो जाता है ना लाना, मतलब बैग भी रहता है फिर तो ये भी। तो हमने अब सोचे हैं कि हम लोग ये सब नहीं लाएंगे, यहीं पे ख़रीद लिया करेंगे। तो बस आज का शुरुआत हो गई है और ये पेपर वेपर सब हम लोग ढक वक के अच्छे से व्यवस्थित करके रखते हैं, गेहूँ चावल सबको। और ये सब का श्रेय जाता है दादू के पापा को, क्योंकि वो कोई भी सामान को ना सच में बहुत अच्छे से रखते हैं, तो उन्हीं को ये सारा श्रेय जाता है। तो बस अभी मैं ये चावल साफ़ कर लेती हूँ, ये ड्रम छत पे ले जाएंगे। और चावल को ना सूपे से ऐसे फटक लूँगी मैं, तो पूरा साफ़ हो जाएगा, कचरा वचरा जो भी है, कीड़े वीड़े तो हैं नहीं। तो ये चावल जो है ना हम लोग 1 साल पहले लाए थे, हाँ दिसंबर में ही लाए थे, तो 26 दिसंबर को हम लोग निकले थे और यहाँ 27 को, नहीं 26 की रात में ही पहुँच गए थे। आप लोग वीडियो ज़रूर देखना वाला, बहुत अच्छा था। और यही वाली स्वेटर मैं उस पर पहनी थी, रेड कलर का सूट पहनी थी, और यही वाली स्वेटर तब पिछले साल ही मैंने ली थी। तो क्या हो रहा है ना, 2 साल से हमारा दिसंबर का महीना इतना बेकार जाता था, इतना बेकार, 2 साल से हम लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे। इस बार का दिसंबर हमारा अच्छा गया है। मैं सोचती हूँ ना कि ये 2-4-8 दिन जो बचे हैं वो भी भगवान अच्छे से निकल जाएं, कोई परेशानी ना आए स्वास्थ्य के रूप में। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है ना तो सब कुछ अच्छा है, चाहे आपके पास कितना भी धन दौलत हो, ऐसो आराम हो, अगर शरीर साथ ना दे तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो चाहती हूँ कि भैया पैसा कम रहे पर स्वास्थ्य सबका अच्छा रहे, और मेरी फैमिली का सबका अच्छा ही है इस बार। तो क्या, दिसंबर से मेरा नाता तो पहले का ही है, दिसंबर में ही क्या बोलते हैं हमारा बचपन का नाता है, दुखों का मतलब। तो वो क्या है ना कि मैं उजागर नहीं करती हूँ अपना जो दर्द है ना, मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ तो दिखता नहीं है, हंसती रहती हूँ, मुस्कुराते रहती हूँ, अपने दर्द को अपने अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि वही है, किसी को बताओ तो वो हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। आज हम लोग अपना दुख रो के दिखाएंगे, फिर कल हंसेंगे तो वो बोलेगा कि अरे कल तो रो रही थी आज हंस रही है। इसलिए हमेशा हंसते रहो, क्योंकि दुख आते जाते रहता है, सुख भी आते जाते रहता है, तो किसी को दिखाने से कुछ नहीं मिलेगा। और मेरी इतनी गंदी आदत है ना कि मैं सच में किसी को कुछ नहीं बताती हूँ, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहती हूँ, तो लोगों को ये लगता है ना कि सच में मैं हमेशा खुश रहती, पर ऐसा कुछ नहीं यार, इंसान कभी ना कभी तो दुखी होता ही है। तो कोई कोई ऐसी डेट याद आ जाती है, कोई कोई ऐसी तारीख याद आ जाती है ना कि सच में वो दिन एकदम बेकार जाता है, पर हंसते रहो मुस्कुराते रहो, मेरा तो यही फंडा है और मैं तो ऐसे ही रहती हूँ। और देखो लाइट चले गई, चावल साफ़ करते करते मैंने पता नहीं कितना बोल दिया इतने से में। तो बस मेरा तो सबसे यही कहना है कि अपने जो भी दुख है ना उनको एक किनारे पे रख
के हंसते रहें, मुस्कुराते रहें तो दुख कम तो नहीं होता, पर लोग मजाक नहीं उड़ाते हैं, क्योंकि लोग मजाक भी उड़ाने लगते हैं ना सच में। तो यहाँ मेरा काम भी फिनिश हो गया और अभी मैंने ना लाइट चले गई थी, पूरा घर क्लीन कर दी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था। एक बार झाड़ने के बाद दोबारा कचरा हुआ था, यहीं पर मैंने चावल साफ़ की थी और बस। कल बनाई थी, शाम को सब्जी बनाऊंगी सोची थी पर शाम को नहीं बना पाई थी। ये देखिए, तो ये 1 लीटर का था। क्या हुआ ना, 2 दिन का दूध जमा हो गया था, बच्चे 1 दिन पिए नहीं थे, तो फिर मैंने सोची दही बनाने से अच्छा पनीर बना लूँ, क्योंकि ठंडी के टाइम पे ना दही ऐसे भी नहीं खिलाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा छत पे, देख के आती हूँ लोग क्या कर रहे हैं। दोनों तीनों लोग चले गए हैं। कहाँ है सर? ये देखो इधर पेंटिंग भी चालू हो गई है, इसको भी हो गया। पर ये ऐसा ये दिख रहा है रेड रेड। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। क्या खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो सर? सर का अभी तो इन दोनों ने ऑफलाइन एग्जाम करे। अच्छा अच्छा। देखो सानू को 700 में से 700, अरे बाप रे, 7 में से 700 में से 700 नंबर मिले हैं सानू को। और काव्या को, काव्या को 100 में से 800 नंबर मिले हैं। ये बली मैम आज काव्या ने ना मम्मी को बड़ी मैम बना दी। बड़ी मैम यानी क्या होता है, पहले ना हम लोग भी ऐसे ही बोलते थे, हमारी बड़े सर अपने इधर तो सर रहते थे ना प्रिंसिपल अधिकतर, तो हमारे इधर सर भी रहते थे और मैडम भी पढ़ाती थी, पर प्रिंसिपल अधिकतर सर ही होते थे। गुड मॉर्निंग सर, धूप लग रही है, स्वेटर पहने तो गर्मी भी लग रही है, सानू को भी लग रही है। आंटी चाची सबको बुलाता है। अभी दूध ब्रेड दे दी थी तो वो लोग खा के अभी हो गए, तो अभी मैं अपने लिए चाय रखती हूँ थोड़ी सी। ये कपड़े डालना है, अभी गेहूँ सुखाए थे सब, तो सब गंदे हैं। ये देखो हमारी काव्या रानी, क्लास चल रही थी ना तुम्हारी, बैक हो गई, ईवीएस की क्लास आएगी ना, आ गई होगी बेटा मम्मी, ईवीएस की क्लास मम्मी। ये देखो यहाँ हीटर रखा हुआ है, क्योंकि अभी मैं लगाने वाली हूँ पोछा, झाड़ू लगाई थी तो यहाँ रख दी थी। अभी इसके पापा और दादू दोनों नीचे ऊपर हैं छत पे। आज मैंने बालकनी भी नहीं धोई है, बाप रे, सुबह आज हम लोग लेट हो गए ना, इसकी भी क्लास नहीं, उसकी भी क्लास नहीं, इसके पापा की भी ड्यूटी से आज रेस्ट है, तो हम सोचे कि आज सोते हैं आराम से फिर उठेंगे। तो चलिए फिर अभी मैं फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ एक बार और। ना हमने गेहूँ धुले थे तो छत पे सुखाना पड़ता है हम लोग को गेहूँ चादर में, तो छत भी गंदा ही रहता है तो चादर भी गंदा हो जाता है, तो वही धोना था मुझे, और घर के थोड़े बिस्तर भी धोने थे। तो अभी लगा रही हूँ मैं मशीन, तो मशीन रहने से यही फ़ायदा हो गया है कि हमारे कपड़े जो है ना, मेरे एक कपड़े धोने का टेंशन भी कम हो गया, क्योंकि सच में यहाँ बहुत कपड़े निकलते हैं भाई, क्योंकि यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इसलिए काला काला एकदम। 2-4 दिन में डेली मुझे ना कपड़े धोने पड़ते हैं, कार्बन एरिया है तो क्या करें, होता ही है।
भी इसकी क्लास करा देती हूँ, क्योंकि ये बैठती नहीं है, पता है काम करते करते मैं इसका क्लास कराती हूँ हमेशा। तो इसकी पता है अभी 3 घंटे हो गई है क्लास, सुबह 10 बजे से चालू होती है ना, तो 12:30 बजे तक चलती है, 2.5 घंटा, तो ये इतना टाइम दे नहीं पाती है ना। फिर भी देखो अभी पूजा कर रही थी बिना नहाए धोए। तो शाम हो गई है और शाम को निकाल रही हूँ मैं कपड़े, तो कुछ कपड़े ना गीले ही हैं तो मैं इनको अभी यहीं सुखाने वाली हूँ, उलट पलट करके रखूँगी, कुछ जो सूखे सूखे उनको ले जाके रखूँगी अंदर, क्योंकि ना इधर धूप आती तो है नहीं, तो मशीन में जितना सूख जाए सूख जाए, फिर उसके बाद हवा से सूखते हैं। तो अभी दादू उठाए, दादू को उठाई हूँ, काव्या को नहीं उठाई हूँ, उसको लेके नहीं जाऊँगी मैं अभी, उधर टहलने जाती हूँ ना मैं ग्राउंड, तो वहाँ जा रही हूँ। तो शाम के 4:30 बज गए हैं। ये वाली स्वेटर मैं आज पहनने वाली हूँ, ये स्वेटर काव्या जब पैदा नहीं हुई थी इसके पहले की, बहुत ही अच्छी सॉफ्ट है, तिब्बती वाले आते हैं ना उनके पास से लिए थे। दादू भी रेडी हो गया है, अभी जाते हैं हम। काव्या देखी, ये मेरी दुश्मन है, दुश्मन। मैं अगर इतना से उठ गई ना इसके पास से तो ये बिल्कुल तुर 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 उठ के आती है, और इसके कारण फिर मैं टहल नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं इसको बिल्कुल नहीं ले जाऊँगी। अब जब भी इसके पापा घर में रहते हैं ना, मैं इसको लेके नहीं जाती, और अगर लेके चले गई तो फिर टहलने नहीं मिलता, इसलिए। देखो बाय कर रही है, बाय बाय। थोड़ा शाम होगा बेटा, फिर आ जाना पापा के साथ। हाँ, चाय का तैयार करके रख दूँ क्या आपके लिए? हाँ, चाय रख दूँ कि तैयार करके रख दूँ? अच्छा रख देती हूँ, फिर छान के पी लेना, मैंने तो अभी पी। बना लोगे? थैंक यू, बना लेंगे, चाय तो इंसान को बनाने आना चाहिए है ना। पहले पानी पी लेती हूँ, फिर पानी प्यास लग जाती। पानी पी रहा है बेटा? नहीं, बहुत प्यास लगती है। हाँ चलो बांधो। काव्या को नहीं लाओ ना तो अच्छा नहीं लगता है ना दादू? काव्या, दादू को तो इतना मजा आता है, काव्या नहीं रहती तो ये तो काव्या को देखना पड़ता है। मम्मी, सरकार कौन सी कार चलाती होगी, सबसे महंगी कार क्या दुनिया की सबसे महंगी कार? किसको पता है कि सरकार कौन सी कार चलाती है? जिसको पता है वो जरूर बताए कि सरकार सबसे महंगी कौन सी कार चलाती है। और सरकार लैम्बर्गिनी क्या? लैम्बर्गिनी क्या है ये भी जरूर बताए, जिसको भी पता हो। दादू के 650 करोड़ की, 650 करोड़ की। हाँ, तो अभी मैं राउंड लगा रही हूँ ट्रैक पे। यहाँ पे बताएं 1.25 किलोमीटर का है, और मैं 2 राउंड लगा लेती हूँ, कभी कभी तो 4 भी हो जाते हैं। बीच में मैं आंटी लोग के साथ आ रही थी ना, तब मैं 4 राउंड लगाती थी धीरे धीरे, अभी तो मैं अकेले 2 ही में मस्त हो जाती हूँ, क्योंकि मैं ना अच्छा तेज़ तेज़ चलती हूँ। तो दादू अभी खेल रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, घर जाके नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसको यहीं से अपलोड करने वाली हूँ। बाकी वीडियो मेरा बन गया है, वॉइस ओवर भी हो गया है, बस इसको अपलोड करना है। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।